हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लिविंग विद शिखा। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, ये है यहाँ पे मेरी प्यारी सी नन्ही सी परी अभिश्री और मैं। तो हम सब लोग, हम सारे मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और सावन भैया, शक्ति भैया, काजल दीदी, कोमल दीदी, हम सब लोग जा रहे हैं मेला देखने। तो आज मैं ये तो दिखा रही, सप्तमी का दिन है और शाम को हम लोग मेला देखने जा रहे हैं, जो रामलीला होती है ना वहाँ पे। तो रामलीला भी है और मेला भी है, लेकिन हम लोग जा तो रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, वहाँ जाके बहुत रश मिला था हमको, बहुत भीड़ थी, क्योंकि आज के दिन, इस दिन संडे था। अभिश्री, अभिश्री नमस्ते कर दो बेटा, नमस्ते। अरे मेरे बच्चे कितने बड़े। हाय गाइस, तो देखिए अभी हम लोगों ने एंट्री ले ली है मेला में। और देखिए, मेला तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे और बहुत सारे झूले थे वहाँ पे, सभी तरह के झूले थे और गेम्स थे वहाँ पे बहुत सारे। तो अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं, यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं किसी का, वेट करके फिर हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाऊंगी। अच्छा तो बहुत लग रहा था, बस रश बहुत ज़्यादा था। अभी श्री देखिए कितनी खुश है यहाँ पे। अभिश्री ना थोड़ी खुश भी थी, थोड़ी कंफ्यूज भी थी। वो पता है, इतनी सारी भीड़ को उसने शायद अपनी, ऑब्वियस ही बात है, पहली बार ही देखा है, भीड़ में वो रही है, देखा है उसने काफ़ी, उसकी बर्थडे पार्टी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन अभी जो देख रही है ना, ये इतनी मतलब रोशनी और इतना शोर, तो इसके लिए थोड़ा अजीब था। वो चारों तरफ बस देख ही जा रही थी बार बार। सो अभी यहाँ इस झूले पे अभिश्री के साथ सावन भैया और आदू दोनों बैठे हैं। आदू ने तो बहुत इंजॉय किया, अभिश्री एकदम कंफ्यूज, एकदम ऐसे ना हंस रही थी ना कुछ, एकदम बैठी हुई है बस ये देख रही, हो क्या रहा है ये उसके लिए बस, मतलब वो ये बस यही देख रही, हो क्या रहा है। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे झूला झूल रहे हैं और हम लोगों ने भी बहुत मजे किया, बहुत अच्छा भी लगा। और जो लोग व्रत थे उन्होंने कुछ खाया, उन्होंने भी खाया पिया, बहुत मस्ती की। लेकिन मैंने ज़्यादा व्लॉग किया नहीं है, क्योंकि इतना रश था ना, और ऐसी भीड़ में ना सबसे ज़्यादा डर होता है कि आपका पर्स और आपका मोबाइल इधर से उधर हो जाए। तो ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, लेकिन जितना भी किया था वो आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए, इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे झूले थे बहुत सारे। और मेरा 9 दिन से व्रत है, मतलब मैं 9 दिन का पूरा व्रत रखा था। और मुझे नॉर्मली भी, अगर मैं नॉर्मली झूले ज़्यादा देखती हूँ ना घूमते हुए, तो मुझे चक्कर आने लग जाता है। फिर यहाँ तो मतलब बहुत ज़्यादा मेरा सर घूम रहा था। अभी ये वाला जो झूला है ना, इसमें मेरे हस्बैंड और काजल दीदी दोनों जा रहे हैं। देखिए हाई कर रहे, पिंक कलर के कुर्ते में दीदी और मेरे हस्बैंड वहीं खड़े हैं साथ में, देखिए ये। तो अभी ये लोग वेट कर रहे हैं टिकट लेके, लाइन में खड़े हुए हैं। जैसे ये झूला बंद होगा, ये लोग निकल जाएंगे, फिर ये लोग भी इसमें आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आ गए हैं, इन लोगों ने ये झूला झूला था। मैं इनको ना ऐसे शूट कर रही थी, शूट मतलब इतने देर मैंने इनको देखा ना शूट करने के लिए, उतने में ही मुझे ऐसा लगा मैं उस झूले में बैठी हुई हूँ, मैं घूम रही हूँ क्या, मतलब इतना मुझे। अब पहले मैं बहुत झूलती थी जब मैं छोटी थी, लेकिन पता नहीं क्या, जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ ना, मेरा झूला झूलने से ना मेरा मन बिल्कुल हट गया, चक्कर आने लग गया और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आने लगी है, तो फिर मेरा मन बिल्कुल हट गया झूले से। लेकिन जब छोटी थी, जब मैं अपने नाना जी के साथ जाती थी, मुझे अभी भी याद है, मैं और नंदू नंदनी हम सब लोग जाते थे तो बहुत मज़े करते थे। अच्छा, ये वाला जो मैं आपको ये देख रहे हैं, आप ये माता का कीर्तन देख रहे हैं, ये है अष्टमी का, उसके अगले दिन शाम को। तो ये बुआ जी के घर पे ना अष्टमी का कीर्तन, अष्टमी में माता का कीर्तन था, तो हम सब लोग अभी वहीं पर हैं। आप देखिए अभिश्री यहाँ पे एकदम खुश है, अभिश्री ने लहंगा पहना है कॉटन का, कितनी प्यारी लग रही है देखो। और इसने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे।
यहाँ पे कीर्तन बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत मन खुश हो गया। सभी लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे माता की चौकी तो पहले से लगी थी, और ये जो है आंटी, इनको मैं जानती हूँ, यहाँ पे कीर्तन करती है, बहुत अच्छे भजन गाती है और बहुत सुंदर लगता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को कीर्तन का ये व्लॉग देख के बड़ा अच्छा लगा होगा। और अभी आरती हो रही है, आरती के बाद हम सब लोग यहाँ डांडिया भी खेलेंगे, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। आशा करूंगी कि आपको वो भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिएगा, हम सब लोग, डांडिया आता नहीं है लेकिन फिर भी खेला है।
यहाँ हम सब लोग डांडिया खेल रहे हैं, और देखिए यहाँ पे ना ज़्यादातर के मुझे लगता सभी हम लोग कोई भी प्रोफेशनली डांडिया वंडे खेलना जानता नहीं है। और डांडिया खेलने के बाद सब लोग थे वो प्रसाद लेके चले गए थे अपने अपने घर, और मैं यहाँ सभी को चाय वाय पिला रही हूँ। चाय और व्रत का खाना भी हम लोगों ने बनाया था, वो सब हम लोग कर रहे हैं अभी। बाबा बाबा चीनी वाला नहीं पीते। बस कटोरी धुलते हुए भी ये कटोरी धो रहे हैं। जो हमारे आंटी जी जो गिफ्ट का है ना वो कप में नहीं पीते, चाय अब हम इसमें डाल रहे हैं। दिखा चाहे दिखा चाहे।